आरसीबी के नहीं होंगे केएल राहुल, तय हो गया केएल राहुल का आईपीएल 2025 का भविष्य। हाँ, अगर हम बात करें कमाल लाजवाब राहुल की, तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले उनके ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इस वजह से हो रही हैं क्योंकि आईपीएल 2024 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक थे संजू गोयनका और केएल राहुल के ऊपर झड़प हो गई, झड़प ऑन कैमरा देखने को मिली, जिसके बाद ये अनुमान लगाए जाने लगे कि केएल राहुल अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नहीं बना रहना चाहते। यही नहीं, यह भी दावा किया गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजू गोयनका केएल राहुल की कप्तानी से नाखुश रहते हैं। केएल राहुल का जो संकुचित सोच है, जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं, जिस कारण लखनऊ सुपर जायंट्स भी केएल राहुल को आईपीएल 2025 से पहले रिलीज कर देगा। जिसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट छपकर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि केएल राहुल आरसीबी को जाएंगे। आरसीबी टीम केएल राहुल को अपना कप्तान नियुक्त करना चाहती है, जिस वजह से वो केएल राहुल को हर एक कीमत पर अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी दावों को खारिज करते हुए केएल राहुल और संजू गोयनका के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग हो गई है और क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ये मीटिंग रिटेंशन लिस्ट के खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा के लिए हुई। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, संजू गोयनका और केएल राहुल के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में टीम कंपोजिशन के ऊपर चर्चा हुई कि किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए, कौन कौन से खिलाड़ी आवश्यक हैं, कौन कौन से नहीं है, क्या टीम कंपोजिशन रहना चाहिए, और ये भी चर्चा हुई कि केएल राहुल रिटेन रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी कप्तानी का अप्रोच क्या रहेगा। इन सभी बातों पर गंभीर पूर्ण चर्चा हुई। ये जो मीटिंग थी वो संजू गोयनका के ऑफिस में रखा गया, यानी कि अब ये जो दावे कर किए जा रहे थे कि राहुल आरसीबी को जाएंगे, राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ेंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स राहुल को छोड़ना चाहती है, इस मीटिंग के बाद बहुत ही धूमिल हो जाते हैं। क्योंकि भैया, जब मालिक और कप्तान के बीच मीटिंग हो जाए, जब कन्वर्सेशन होने लगता है और रिटेंशन लिस्ट के ऊपर कन्वर्सेशन हो, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो सोच है वो यही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ही रहेंगे, जो कि आगे जाकर रिटेंशन लिस्ट वाले खिलाड़ियों को चुनेंगे, टीम कंपोजिशन बनाएंगे और उन्हीं के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में करना चाहती है। लेकिन ये अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि राहुल को रिटेन किया ही जाएगा, क्या क्या टीम कंपोजिशन है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने दोनों ही आदमियों ने प्रेस वार्ता नहीं की, ना ही लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजू गोयनका ने इस मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता की, ना ही केएल राहुल ने कोई प्रेस वार्ता की, यानी कि ऑफिशियल ऐलान अभी कुछ नहीं। लेकिन ये क्रिकबज में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार तय है कि दोनों के बीच मीटिंग हुई है। ये मीटिंग रिटेंशन खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा के लिए की गई है, यानी कि अगर आप किसी कप्तान से रिटेंशन खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा के लिए मीटिंग करते हैं, तो ये इसी वजह से होता है कि आप समझ रहे हैं कि यही आईपीएल 2025 में आपकी टीम का नेतृत्व करेगा, इसी के हिसाब से रिटेंशन खिलाड़ियों का चुनाव करना है, इन्हीं के हिसाब से टीम कंपोजिशन तय करनी है। यानी 90% तो ये तय हो चुका है कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स से ही खेलेंगे, और ये जो दावे किए जा रहे थे कि आरसीबी के होंगे, वो दावे वैसे भी निराधार थे। क्योंकि अगर हम बात करें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की, तो अगर मेगा ऑक्शन जिस भी संस्करण के लिए रखा जाता है, उस संस्करण में आईपीएल खिलाड़ियों का ट्रेड नहीं हो सकता। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ, आपने देखा कि कैमरून ग्रीन का ट्रेड हुआ, उस तरीके से इस संस्करण में कोई ट्रेड नहीं होने वाला है, क्योंकि मेगा ऑक्शन रखा गया है। यानी कि केएल राहुल को ऑक्शन टेबल पर उतरना पड़ता है अगर वो लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ रहे हैं, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को छोड़ रही है, तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी को रिलीज कर सकते हैं और खिलाड़ी को ऑक्शन टेबल पर उतरना पड़ेगा, फिर उसके बाद कई टीमों में प्रतिस्पर्धा होगी। तो ये सुनिश्चित कर जाना कि भैया राहुल आरसीबी के होंगे, आरसीबी ही उनको अपने पास रखने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ निराधार बातें, उनमें कोई सत्यता नहीं है। वहां पर ऑक्शन टेबल पर लड़ाई होगी, जमकर टीमों के बीच लड़ाई होगी। अगर राहुल आते हैं ऑक्शन टेबल पर, अगर इस मीटिंग से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, अगर बात विचार करने के लिए संजू गोयनका और राहुल मिले हों कि भाई आपसी सामंजस्य बैठाया जाए, अगर इस मीटिंग में आपसी सामंजस्य नहीं भी बैठ पाता है, राहुल या संजू गोयनका एक मत पर नहीं भी आते हैं और राहुल को ऑप्शन टेबल पर छोड़ा जाता है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि राहुल आरसीबी को ही जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि मेगा ऑक्शन में बहुत ज़्यादा बजट आप एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं झोंक सकते। जिस तरीके से मिनी ऑक्शन में आपने देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स मिचेल स्टार्क के पीछे पड़ गई तो उनको लेकर ही मानी, उस तरीके से मेगा ऑक्शन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर
टैलेंट का खुमार रहेगा, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको मिलेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप एक खिलाड़ी के पीछे ज्यादा नहीं भागते हैं, आप पर्स खाली नहीं करना चाहते हैं, आप उसी तरीके के कई खिलाड़ी अपने पर्स में डालना चाहते हैं, वो भी सस्ते दामों में डालना चाहते हैं, जिस कारण से ये तय कर देना कि आरसीबी के हो जाएंगे केएल राहुल, ये वाजिब नहीं लगता है। तो बातें यही है कि केएल राहुल और संजू गोयनका के बीच ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है, दोनों ने रिटेंशन लिस्ट के ऊपर चर्चा कर ली है, टीम कंपोजिशन के ऊपर चर्चा हुई है, और जरूर दोनों मिलकर टीम के भविष्य के ऊपर चर्चा किए होंगे, केएल राहुल के भविष्य के ऊपर चर्चा किए होंगे, केएल राहुल के कप्तानी के भविष्य के ऊपर चर्चा किए होंगे। अगर एक सहमत दोनों होते हैं, एक मत पर दोनों आते हैं, तो केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान होने वाले हैं, इस मीटिंग से लगभग तय हो चुका है। अगर नहीं भी होते हैं तो केएल राहुल को ऑक्शन टेबल पर उतरना पड़ेगा, वो आरसीबी को जाएंगे नहीं जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रखिए कि भैया केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए तो क्या वो आरसीबी के कप्तान होने चाहिए या फिर अन्य किसी टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।